नमस्कार साथियों, सभी पैन कार्ड धारक को आधार से पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य है। यदि आप पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करेंगे तो अभी तो आपके ऊपर 1000 रुपये का ही जुर्माना लगाया जा रहा है, अगले टाइम में उस पर और अधिक जुर्माना आपके ऊपर लगाया जाएगा। तो इसीलिए मैं रामनिवास मेहरा ये वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बताऊँगा कि कैसे आप मोबाइल से ही आधार को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। तो सबसे पहले साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, साथ में घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर आल पर भी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट आपको लगातार इस चैनल पर प्रेषित किए जाएंगे। तो चलिए साथियों, देखते हैं प्रक्रिया। सबसे पहले आपको मैं एक लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा रहा हूँ, तो आप वीडियो पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ मैंने एक लिंक उपलब्ध करवाया हुआ है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पहुँच जाएंगे। इस तरह का होम पृष्ठ अब आपको दिखाई देगा। तो अब आपको जो आप आधार कार्ड लिंक करेंगे पैन कार्ड से, वो 3 स्टेप में होंगे, वो आपको यहाँ दिखाए जाएंगे। तो आपको यहाँ नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको मिलेगा, सबसे पहले आपको यहाँ आपके जो पैन नंबर है वो इंटर करने होंगे, उसके बाद आधार नंबर आपको यहाँ एंटर कर लेने हैं। फिर आना है आपको यहाँ नीचे की ओर, तो आपको यहाँ जो ऑप्शन मिल रहा है वैलिडेट का, तो ये वैलिडेट का बटन यहाँ एक्टिव हो जाएगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह की इन्फॉर्मेशन अब आपके यहाँ सामने शो होगी, तो आपको नीचे की ओर आ जाना है और यहाँ आपको मिलेगा कंटिन्यू टू पे थ्रो ई पे टैक्स, इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करना है। जैसे आप यहां क्लिक करेंगे, इस तरह की इन्फॉर्मेशन अब आपके सामने खुल कर आएगी, तो आपके पैन नंबर वापस आपको यहां एंटर करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहां पैन नंबर फिर से एंटर कर दीजिएगा और फिर आपको यहां कन्फर्म पैन नंबर एंटर करने होंगे। तो जो भी आपका उचित पैन नंबर है वो आप यहाँ एंटर कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ मोबाइल नंबर अवश्य ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ मैंडेटरी है इन चीज़ों को फिलअप करना। उसके बाद आपको यहाँ मिल जाएगा कंटिन्यू का बटन, तो इस कंटिन्यू वाले बटन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपने जो मोबाइल नंबर वहाँ एंटर किए उन पर एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ एंटर कर देना है। जब OTP आप यहां एंटर कर देंगे तो कंटिन्यू का बटन आपके सामने यहां एक्टिव हो जाएगा, इस वाले बटन पर फिर से आपको क्लिक कर लेना है। अब इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको यहां शो होगी, ग्रीन कलर में आपके सामने यहां राइट का निशान मिल जाएगा और आपको यहां कहा जाएगा यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू मोबाइल OTP, क्लिक कंटिन्यू टू मेक न्यू पेमेंट। तो आपको जो यहाँ कंटिन्यू का बटन मिल रहा है, अब इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, इस तरह की इन्फॉर्मेशन अब आपके सामने यहाँ खुलकर आ जाएगी। तो आपको सबसे पहले जो यहाँ ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है इस पर ही क्लिक करना है। आपको यहाँ प्रोसीड का बटन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, इस तरह की इन्फॉर्मेशन अब आपके सामने खुलकर आ जाएगी। अब आपको यहाँ सेशन या ईयर सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो जो भी करंट सेशन अभी चल रहा है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने अभी 2024-25 से सेलेक्ट किया है, तो आपको यही सेलेक्ट करना है इस सेशन में यदि आप कर रहे हैं तो। और आपके सामने अगला ऑप्शन यहाँ रहेगा, तो आपको जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, आप यदि आप अब लेट जो फीस देनी है आपको 1000 रुपये, और आप अभी जो आपके आधार के साथ जो पैन से लिंक कर रहे हैं, तो आपको यही सेक्शन चुनना है, अदर रिसिप्ट 500 का जो माइनर हेड है इसी ऑप्शन को चुन लेना है। फिर आपको यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ आ जाएगी और आपका एक जो चरण है वो सत्यापित हो चुका है। अब आप यहाँ दूसरे चरण पर आएंगे, तो ये चीज़ आपको देख लेनी है। उसके बाद आपको पेमेंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ शो की जाएगी, तो सारी आप पेमेंट की इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिएगा अभी आपको कितनी फीस देनी होगी, क्योंकि यदि आप लेट हो चुके हैं तो आपको 1000 रुपये फीस या चार्ज लगेगा, वो आपको यहाँ शो होता रहेगा, ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। आप जिस भी सिस्टम में काम कर रहे हैं स्क्रीन को ऊपर और नीचे स्क्रॉल अप कर लीजिएगा, आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आपको फिर से यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने बैंक की इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी, कौन से बैंक के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं वो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो जिस भी बैंक के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से चयन कीजिएगा। फिलहाल मेरी जो बैंक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, परंतु आपके लिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। जिस भी बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से चुनिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपकी बैंक को चयन करके इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने आएगी। अब आपको यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लीजिएगा। जब आप आगे अगले पृष्ठ पर जाएंगे तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके पेमेंट से संबंधित इन्फॉर्मेशन शो होगी, तो आप स्क्रॉल अप करके देख लीजिएगा, इस तरह की इन्फॉर्मेशन अब आपके सामने आ जाएगी। अब यदि आपके पास आपके ऊपर कोई चार्ज जुड़ा होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ डिस्प्ले होगी। फिलहाल मुझे 1000 लेट फीस देनी है, तो मुझे यहाँ 1000 रुपये ही शो हो रहा है। यदि आप
अदर बैंक से पेमेंट कर रहे हैं और बैंक आपके ऊपर चार्ज लगाती है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो होगी। अब यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा पे नाउ का, तो आप पे नाउ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह की इन्फॉर्मेशन आएगी, तो आपको यहाँ टर्म्स और कंडीशन को एग्री करने के लिए कहा जाएगा। तो आप चाहे तो पूरे टर्म्स और एग्री को यहाँ टर्म्स और जो कंडीशन है उनको आप रीड कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ जो चेकबॉक्स आपको दिया हुआ है इस पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ राइट का निशान हो जाएगा और फिर यहाँ आपको सबमिट वाला बटन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप पेमेंट गेटवे पे पहुँच जाएंगे। फिलहाल मेरा जो अकाउंट है वो SBI में है, तो यहाँ मैं अपनी यूज़र ID एंटर कर लूँगा और जो मेरे नेट बैंकिंग के पासवर्ड है वो यहाँ मैं एंटर कर लेता हूँ। आपके भी जिस बैंक के आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो आप यहाँ प्रोवाइड करवाएगा। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का, तो आप लॉगिन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे इस तरह की पेमेंट से संबंधित इन्फॉर्मेशन अब आपके सामने खुल कर आएगी। तो आपको इन सब चीज़ों को चेक कर लेना है, जो आपका पेमेंट होने वाला है सभी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। फिर आपको आना है नीचे की ओर, जहां आपको ऑप्शन मिलेगा कंफर्म का, तो आप कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वापस आपकी पेमेंट से संबंधित इन्फॉर्मेशन आएगी, आपका अकाउंट कौन सी ब्रांच में है वगैरह, जो भी इन्फॉर्मेशन आती है आप उसे टैली कर लीजिएगा। और फिर आइएगा आप नीचे की ओर, इस तरह की आपकी इन्फॉर्मेशन शो होती रहेगी। फिर आपको सबसे अंत में जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो यहाँ मिल जाएगा पे नाउ का। आपको पे लेटर नहीं करना है, पे नाउ आप अभी वेरीफाई कर दीजिएगा, क्योंकि आपके ऊपर फिर लेट फीस ज़्यादा लगेगी। तो पे नाउ का ऑप्शन यहाँ आपको मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने बैंक में दे रखे हैं उस पर, आप यदि SBI से कर रहे हैं तो जो आपने बैंक में आपके मोबाइल नंबर दर्ज कर रखे हैं उनके ऊपर एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ एंटर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा कंफर्म का, तो इस कंफर्म पर अब आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सारी प्रोसेस में यहाँ ग्रीन टिक आ जाएगा इस तरह का, तो ये आपको देख लेना है। आपका जो पैन कार्ड जो है वो आधार से अब लिंक हो चुका है, और नहीं हुआ है तो जल्दी ही लिंक हो जाएगा क्योंकि आपने सारी प्रोसेस कर ली है। उसके बाद आपको रिसिप्ट डाउनलोड करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ रिसिप्ट यहाँ क्लिक करके आपकी जो रिसिप्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको यहाँ बताया भी जाएगा द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल, तो ये चीज़ आपको चेक कर लेनी है। तो इस तरह साथियों आप अपने आधार को पैन कार्ड से मोबाइल से ही लिंक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और साथ में इस जानकारी को हमारे अन्य साथियों तक भी पहुंचाइएगा, ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और किसी ई मित्र के चक्कर नहीं काटे, अपना मोबाइल से ही अपना कार्य कर पाएं। मिलते हैं साथियों इसी तरह के अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।